दुर्ग के इलाहाबाद बैंक के स्टाफ द्वारा प्रार्थी तिजिल सिंह, गणेश सिंह, निखिल सिंह के साथ लोन खाते में जालसाजी कर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने सभी 9 आरोपियों पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग के इलाहाबाद बैंक के स्टाफ द्वारा अपने ही ग्राहक से जालसाजी कर लोन खातों के माध्यम से ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद के 9 स्टाफ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें प्रार्थी तिजिल सिंह, गणेश सिंह, निखिल सिंह द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई। बता दें, वर्तमान में इलाहाबाद बैंक दुर्ग के संतराबाड़ी में इंडियन बैंक के रूप में मर्ज कर संचालित किया जा रहा है। दुर्ग के कैलाश नगर वार्ड 19 शीतला मंदिर निवासियों ने अपने साथ हुई ठगी पर दुर्ग पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई कि तिजिल सिंह से 21,50,000, गणेश सिंह से 52,82,500 और निखिल सिंह से 28,00,000 की ठगी की गई है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सभी 9 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं पर कार्रवाई की है। इस संबंध में एडिशनल SP अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया दी। यह थाना मोहन नगर का मामला है। इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा परिवाद पर से आदेश किया गया था। इसमें मामला दर्ज करने के हेतु आदेश होने पे मोहन नगर के द्वारा इसमें मामला दर्ज किया गया है। 3 पृथक पृथक मामलों में अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 409, 420, 467, 68, 71, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें प्रार्थी ने शिकायत की थी माननीय न्यायालय में कि बैंक के द्वारा जालसाजी करके उनके जो लोन अकाउंट में छेड़छाड़ किया गया है, जिनसे उनके उनके द्वारा अनावश्यक रूप से अतिरिक्त वसूली करने का प्रयास किया गया है, तो माननीय न्यायालय ने इस पर आदेश किया है। इसमें लगभग कितने लाख रुपये? इसमें 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। 52,00,000 का है लगभग, 28,00,000 समथिंग कुछ का है, और 21,00,000 के आसपास का कुछ है। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।